नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का ये 72वां लेक्चर है और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 9वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा बंगाल का विभाजन 1905 के बारे में। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया और इसके बाद बंगाल में और फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर हमको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन देखने को मिला। तो बंगाल का विभाजन 1905 और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें कुल 151 लेक्चर्स हैं और इन 151 लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के संपूर्ण सिलेबस को, उसके पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो ए से लेकर जेड तक जितना भी आपका पाठ्यक्रम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, वो सब इस क्रैश कोर्स में कवर किया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे। तो सभी लेक्चर्स को एक क्रम से देखते हुए चलिए। तो लगभग लगभग हम जो है अब अपने आधे सफर के आसपास पहुंच गए हैं। तो 72वां लेक्चर ये इस क्रैश कोर्स का है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस क्रैश कोर्स को एक क्रम से नहीं देख रहे हैं तो देखिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स से बहुत से प्रश्न आपको आपके वास्तविक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन 1905 ये हमारा टॉपिक है। आइए अब देर न करते हुए इसको जो है हम प्रारंभ करें। तो बंगाल का विभाजन और बंगाल के विभाजन से उपजा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। अब देखिए बंगाल विभाजन को समझे उससे पहले उस समय के बंगाल की, यानी 1905 के बंगाल की स्थिति क्या थी, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका विस्तार क्या था, उसको हम समझ लें। तो जब हम बंगाल की बात करते हैं तो उस समय बंगाल में शामिल था आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा पश्चिम बंगाल, आज का पूरा बिहार, आज का उड़ीसा, और इसके साथ ही साथ 1874 तक इसमें आसाम भी शामिल था। तो इतना भारी भरकम स्टेट था बंगाल और लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये स्टेट था। तो आप सोचें कि कितना बड़ा ये स्टेट था, इतना भारी भरकम स्टेट था। तो ये स्टेट बड़ा है बंगाल और बहुत बड़े आबादी इसमें निवास करती है, ये बात तो धीरे धीरे सबको समझ में आ रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा तो फिर ये धीरे धीरे बात सब लोग कहने लगे कि बंगाल बहुत भारी भरकम स्टेट है, इसको जो है हमें छोटा करना चाहिए। तो 1866 के बाद से ये बात जो है डिस्कोर्स में आने लगी, लेकिन फाइनल एक्शन हुआ 1874 में। और 1874 में बंगाल प्रोविंस से पृथक करके एक असम के क्षेत्र को पृथक किया गया और उसको जो है चीफ कमिश्नरी प्रोविंस कहा गया। तो जैसे अभी हम लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी, उसी उस तरह से ब्रिटिश भारत में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस होते थे, यानी चीफ कमिश्नरों के प्रांत जिनका स्टेटस स्टेट से नीचे होता था। तो 1874 में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 1874 में बंगाल से असम को पृथक कर दिया गया और उसे एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया और वहां जो प्रशासक बैठा उसे चीफ कमिश्नर कहा गया। अब 1892 में जो आसाम का चीफ कमिश्नर था उसने यह सुझाव दिया, 1892 में जो आसाम का चीफ कमिश्नर था उसने ये सुझाव दिया कि आसाम चीफ कमिश्नरी में चटगांव कमिश्नरी, जो उस समय बंगाल का हिस्सा था, उसको भी मिला दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके इस सुझाव पर कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। फाइनली 1896 में विलियम बर्ड चीफ कमिश्नर था आसाम का और इसने ये सुझाव दिया कि जो ढाका का क्षेत्र है और जो मेमन सिंह जिला है, इन दोनों का हस्तांतरण आसाम में कर दिया जाना चाहिए और आसाम को
एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से बदल करके एक स्टेट का स्टेटस दे दिया जाना चाहिए, और जो चीफ कमिश्नर बैठता है उसकी जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए, और इसके लिए सिविल सर्विसेज का अलग कैडर भी होना चाहिए। तो ये किसने कहा? ये विलियम बर्ट ने कहा। लेकिन विलियम बर्ट या बार्ट, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहें, ये कौन था? तो ये 1896 में चीफ कमिश्नर था आसाम का, इसने सुझाव दिया। लेकिन इसके सुझाव को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बना, तो लॉर्ड कर्जन को ये समझ में आया कि ये जो बंगाल में राष्ट्रवाद की आधी चल रही है, इसको रोकने के लिए, बंगालियों के राष्ट्रवाद को काटने के लिए हमें बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए, इस तरह का विचार आया। तो उस समय जो तो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर ने 1903 में ये प्रस्ताव रखा। लेकिन ये जो प्रस्ताव रखा एंड्रयू फ्रेजर ने, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे एंड्रयू फ्रेजर ने था, और इसी ने प्रस्तावित किया। लेकिन ये जिस व्यक्ति के दिमाग की उपज थी वो विलियम बर्ट था, लिखा गया है विलियम बर्ट के दिमाग की उपज थी, क्योंकि उसी ने यह सुझाव दिया था कि जो ढाका का हिस्सा है और जो मेमन सिंह जिले का हिस्सा है, इन दोनों को मिलाकर के आसाम में एक जो है पृथक आसाम स्टेट का गठन हमको करना चाहिए, ठीक है, और वही किया गया। तो ये प्रस्ताव किसके दिमाग की उपज थी? तो विलियम बर्ट के। लेकिन इसे प्रस्तावित किया गया 1903 में, जब लॉर्ड कर्जन भी ऐसा चाहने लगा, ठीक है। तो अब बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके पीछे का तर्क लॉर्ड कर्जन ने यह दिया कि चूंकि बंगाल एक बड़ी आबादी और एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है, इसलिए प्रशासन चलाने में असुविधा होती है, तो हम बंगाल का अगर विभाजन कर देंगे तो हमें प्रशासन चलाने में सुविधा होगी, ठीक है। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि विभाजन का कारण है प्रशासनिक सुविधा, तो यही मैंने लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये जो बात लॉर्ड कर्जन ने कहा ये बिल्कुल ठीक थी, ऐसा नहीं था, ये तो समझ में सबको आ रहा था कि बंगाल एक भारी भरकम स्टेट है और यहां प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता, और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जो पूर्वी बंगाल है, जो आज का बांग्लादेश है, वो असल में ग्रामीण क्षेत्र था, उतना अधिक वहां पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वहां किसानी मूल व्यवसाय के रूप में लोगों का था, और दूसरी तरफ हम पश्चिम बंगाल को जब देखते थे तो कलकत्ता एक सेंटर के रूप में देखता था, जो कि उस समय भारत की राजधानी भी था और बंगाली राष्ट्रवादियों का वो गढ़ था, और कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कलकत्ता में थी। तो ऐसे में ये कहा गया कि जो पूर्वी बंगाल है, और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल्य था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल्य था, तो यह कहा गया कि पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम जनसंख्या है उसके हितों का संवर्धन नहीं हो रहा है, ठीक है, यह कहा गया। तो यह तर्क भी ठीक था, लेकिन बंगाली राष्ट्रवादियों ने कर्जन के इस प्रशासनिक सुविधा वाले तर्क को नहीं माना, क्योंकि अगर प्रशासनिक सुविधा की भी बात थी तो बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाता ना बंगाल से, यह सारी चीजें हम समझेंगे। तो इतना हमने जो है समझ लिया। देखिए क्या लिखा है, बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र को मिलाकर पश्चिम बंगाल अब दो स्टेट बने, उत्तरी और पूर्वी बंगाल के राजशाही ढाका चटगांव डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 15 जिलों को असम में मिलाकर पूर्वी बंगाल और असम नाम से एक नया प्रांत गठित किया गया, ठीक है। तो वही है मैंने बताया कि बंगाली राष्ट्रवादियों ने लॉर्ड कर्जन के इस प्रशासनिक सुविधा के तर्क को खारिज कर दिया, और उन्होंने क्या कहा कि यह बंगाल का धार्मिक विभाजन है, यह बंगाल का भाषाई विभाजन है, और बंगाल का यह क्षेत्रीय विभाजन है। यह तीनों टर्म को हम समझेंगे कि कैसे धार्मिक विभाजन हुआ बंगाल का, भाषाई विभाजन कैसे हुआ, और क्षेत्रीय विभाजन कैसे हुआ। तो बंगाली राष्ट्रवादियों ने यह कहा कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया है, यह झूठ है, बल्कि बंगाल को तो धर्म के आधार पर बांटा गया है, भाषा के आधार पर बांटा गया है, और क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है, और इस बात को हम समझेंगे कि कैसे किया गया, ठीक है। जैसा कि हार्वर्ट होप रिसले ने कहा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। तो यह समझ में आ रहा था अंग्रेजों को कि बंगाल जो राष्ट्रवादियों का गढ़ बना हुआ है, और अगर हम बंगाल का विभाजन कर देंगे तो बंगाल में जो राष्ट्रवाद की आंधी चल रही है उसको हम रोक देंगे। ब्रिटिशों के लिए पीछे मनसा ये थी, और सामने से वो क्या कह रहे थे कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब जो है एक बार देख लें। अब ये बंगाल विभाजन का एक चित्र है, इसको ही हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए। ठीक है, बंगाल का विभाजन ये हो गया 1905 में। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र हो गया पूर्वी बंगाल और आसाम, इस नए स्टेट का नाम हुआ, और ये स्टेट का नाम हो गया बंगाल। ठीक है, इसकी राजधानी कलकत्ता और इसकी राजधानी ढाका थी। ये मैप में आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको डिटेल में हम समझेंगे। इससे रिलेटेड एक मैप और है, वो देख लीजिए जो है। ठीक है, ये पूरा जो है पूर्वी बंगाल का हिस्सा, इसमें स्टेट्स भी हैं, जैसे त्रिपुरा स्टेट है, प्रिंसली स्टेट खासी है, इसके अलावा यहां देखें तो कूच बिहार है, ये सब है। ठीक है, तो अब आइए जो है हम समझना प्रारंभ करें कि कैसे क्या किया गया। ठीक है, अब देखिए, जो पहले हमने क्या कहा कि भाषा के आधार पर बंगाल को बांटा गया। ठीक है, तो कुछ फैक्ट समझ लीजिए। जो बंगाल था संयुक्त, मतलब 1905 से जो पहले बंगाल था यानी संयुक्त बंगाल था, वहां 8.5 करोड़ की जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी? 8.5 करोड़ की। इस 8.5 करोड़ में जो हिंदू थे वो 5.40 करोड़ थे, 5.40 करोड़ थे, और जो मुस्लिम थे वो 2.70 करोड़ थे। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। तो 8.5 करोड़ में संयुक्त बंगाल में, जब बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था, तो 5.40 करोड़ हिंदू प्लस अन्य थे और 2.70 करोड़ मुसलमान थे। तो 8.5 करोड़ में 2.70 करोड़ को आप क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे, जिनके पास बहुमत नहीं है, और जो 8.5 करोड़ में 5.40 करोड़ है उनको क्या कहेंगे? बहुसंख्यक कहेंगे, जिनका बहुमत है। अगर आज चुनाव के दृष्टिकोण से हमें देखना हो, जिस तरह से वोटिंग होती है, तो हम कहेंगे कि बंगाल पर जो है हिंदू आधिपत्य था चुनाव के दृष्टिकोण से, और मुसलमान यहां क्या थे? अल्पसंख्यक थे, 2.70 करोड़ थे। ठीक है, तो ये बंगाल की बात हुई, लेकिन जो विभाजन हुआ वो कैसे हुआ? तो विभाजन में देखिए दो स्टेट बन के निकले, एक को पश्चिम बंगाल कहा गया और दूसरे को पूर्वी बंगाल और असम कहा गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल और असम। जो पश्चिम बंगाल था इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे आज के? तो पश्चिम बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, ये तीन जगह से मिलकर के बना, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसकी राजधानी कहां थी? तो कलकत्ता थी। जो पूर्वी बंगाल और असम राज्य बना उसमें दो क्षेत्र थे, एक तो पूर्वी बंगाल था और एक जो है असम था, और दोनों को मिलाकर इनकी राजधानी कहां थी? ढाका थी। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि बंगाल का भाषाई धार्मिक विभाजन हुआ। देखिए बंगाल का धार्मिक विभाजन कैसे हुआ, 8.5 करोड़ कुल संयुक्त जनसंख्या में से 2.70 करोड़ मुसलमान थे, यानी मुसलमान संयुक्त बंगाल में क्या थे? मुसलमान संयुक्त बंगाल में अल्पसंख्यक थे एक प्रकार से। लेकिन अब जब नया राज्य बना पश्चिम बंगाल, तो यहां पर 5.40 करोड़ कुल जनसंख्या थी। कितने जनसंख्या थी? कुल 5.40 करोड़। हिंदू कितने थे? 4.20 करोड़। हिंदू कितने थे? 4.20 करोड़। 5.40 करोड़ में से हिंदू थे 4.20 करोड़ और मुसलमान थे 90 लाख। मुसलमान कितने थे? 90 लाख। तो पश्चिम बंगाल में तो वही स्थिति रही जो कि संयुक्त बंगाल में थी, यहां हिंदू बहुसंख्यक हो गए और अधिक मेजोरिटी में बहुसंख्यक हो गए। लेकिन पूर्वी बंगाल में क्या किया गया ये देखिए, तो पूर्वी बंगाल की जनसंख्या कितनी? तो 3.10 करोड़। पूर्वी बंगाल की कितनी जनसंख्या? 3.10 करोड़। और इस 3.10 करोड़ में 1.80 करोड़ मुसलमान। पूर्वी बंगाल में 3.10 करोड़ की जनसंख्या पे मुसलमान कितने? 1.80 करोड़। किसका बहुमत हो गया? मुसलमानों का बहुमत हो गया। और हिंदू कितने रह गए? 1.2 करोड़ रह गए। तो 1904 में ढाका में मुस्लिमों को संबोधित करते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि नए बंगाल में मुस्लिम एकता उस तरीके से स्थापित होगी जैसे मुगलों के समय में थी और जो कि नवाबों के समय में खो गई। तो आप देखिए
कि एक ऐसे स्टेट का विभाजन इस तरह से किया गया कि जिस स्टेट के 8.5 करोड़ की जनसंख्या में मुसलमान 2.70 करोड़ थे, उसका विभाजन इतनी खूबसूरती से किया गया कि जो नया स्टेट बना उसमें 3.10 करोड़ में से 1.80 करोड़ मुसलमान हो गए, यानी मुसलमानों का बहुमत हो गया। नहीं तो बंगाल बड़ा स्टेट था तो भैया बिहार और उड़ीसा को भी तो बांट देते, इसी को अलग करते। बाद में यही हुआ 1911 के बाद, तो बिहार और उड़ीसा को अलग करते और पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल को एक करते। ठीक है, तो यह समझ में आ गया भाषा के आधार पर, सॉरी धर्म के आधार पर कैसे विभाजन हुआ। अब भाषा के आधार पर देखिए, बंगाली भाषा कितनी समृद्ध भाषा और भाषा के स्तर पर बंगाली को कैसे अल्पसंख्यक बनाया गया इसको देख लीजिए। यहां देखें, जो पश्चिम बंगाल बना इसकी जनसंख्या मैंने बताया 5.40 करोड़, इसमें से 4.20 करोड़ हिंदू और मुसलमान 90 लाख। अब इसमें बंगाली बोलने वाले कितने रह गए, 1.8 करोड़, यानी 1.80 करोड़। 5.40 करोड़ की कुल जनसंख्या में प्रांत का नाम है बंगाल और बंगाल डिराइव हुआ बंगाली भाषा से, तो जिस प्रांत का नाम बंगाल है, जिस प्रांत की आइडेंटिटी बंगाली से है, उस प्रांत की 5.40 करोड़ जनसंख्या में से केवल 1.80 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं, शेष 3.60 करोड़ लोग या तो उड़िया बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, बिहार का हिंदी और उड़ीसा का उड़िया बोल रहा है। यानी बंगाल में ही बंगाल का क्या हुआ, बंगाल में ही बंगाली भाषा को अल्पसंख्यक बना दिया गया। 5.40 करोड़ में 1.80 करोड़ लोग बंगाली बोल रहे हैं और 3.60 करोड़ लोग हिंदी और उड़िया बोल रहे हैं और प्रांत का नाम बंगाल है। तो बंगाली बोलने वाले कहां गए, तो बंगाली बोलने वाले इधर आ गए ना। अब इस 3.10 करोड़ में से 30-40 लाख आसामी रहे होंगे, बाकी सब बंगाली थे, इधर आ गए। देखिए, तो भाषा के आधार पर कैसे विभाजन हुआ और धर्म के आधार पर कैसे विभाजन हो गया यह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब फैक्ट्स के तरफ बढ़ेंगे। हालांकि बंगाल का पुनः बंगाल को संयुक्त किया गया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला, उसके बाद फिर हम जानते हैं 1947 में फिर बंगाल का विभाजन हुआ। तो पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता हुई और पूर्वी पाकिस्तान जिसकी राजधानी ढाका हुई, और फिर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश एक नया स्टेट बन करके आ गया। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही सारी बातें लिखी है गई हैं, एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ गया। क्या लिखा है, संयुक्त बंगाल की आबादी 8.5 करोड़, उसमें से 5.40 करोड़ हिंदू, हिंदू प्लस अन्य मानिए, और 2.70 करोड़ मुसलमान। तो इसका क्या मतलब है कि जनसंख्या में बहुमत किसका है, हिंदुओं का है। दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल और असम में मुसलमानों का बहुमत हो गया, जो मैंने आपको बताया। तो ये हम क्या कहते हैं, ये अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया, और इसके तहत मुसलमानों को एक मुस्लिम बहुमत वाला राज्य देकर अपनी तरफ मिला लिया और उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन से पूरी तरह से काट दिया और उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध खड़े करने का प्रयास किया। और यही कारण था कि बंग भंग आंदोलन जो चला, बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला, उसमें मुसलमानों ने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। सक्रिय भूमिका क्या, कुछ उंगली पे गिने जा सकने वाले मुस्लिम नेताओं को छोड़ करके पूरी मुस्लिम जनसंख्या खामोश रही। ठीक है, देखिए, जैसा कि फरवरी 1904 में बंग भंग योजना का औचित्य मुसलमानों को समझाते हुए, जो मैंने आपको कहा, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, नए पूर्वी बंगाल प्रांत में मुसलमानों का एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जा रहा है जो पहले के मुस्लिम शासन के बाद उन्हें कभी नहीं मिला, यानी मुगलों की बात हो रही। तो सबको, मुसलमानों को अच्छा लगा, तो कुछ को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको क्या मिल गया, एक ऐसा स्टेट मिल गया जिसमें उनकी मेजोरिटी थी। तो इस विभाजन के तो बहुत दूरगामी परिणाम हुए, लेकिन पहला परिणाम हमको क्या दिखा, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। तो 1906 में मुस्लिम लीग बन करके आ गई। ठीक है, तो अब जो है बंगाल विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये टाइमलाइन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आइए देखें। तो 20 जुलाई 1905 को फाइनली
सब माहौल बनाने के बाद लॉर्ड कर्जन ने कहा कि अब हम बंगाल का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। अब ये तय हो गया कि अब बंगाल का हम विभाजन करेंगे। 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ और कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि अब इसके बाद जो है बहिष्कार की भी बात होगी, तो बहिष्कार का सुझाव किसने दिया, सर्वप्रथम बहिष्कार का सुझाव किसने दिया, तो एक बांग्ला पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी, और संजीवनी के जो संपादक थे उनका नाम था कृष्ण कुमार मित्रा या मित्र, कृष्ण कुमार मित्रा, और 13 जुलाई 1905 के अंक में संजीवनी के बहिष्कार इसका सुझाव कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, उसके बाद बहिष्कार भी आएगा 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। ये सब डेट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि विभाजन प्रभावी हुआ, इस दिन से लागू हो गया, वहां घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया, मतलब सब डिविजन्स हो गए। तो पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो पूरे बंगाल में इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस। कहते हैं कि लाखों घरों में चूल्हा जला ही नहीं, कोई किसी ने कुछ खाया पिया ही नहीं, ठीक है, शोक रखा। तो जनता ने उपवास रखा, हड़तालें की और गंगा स्नान किया, और टैगोर का लिखा अमार सुनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा अमार सुनार बांग्ला का गायन किया गया सड़कों पर। बाद में अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो आप क्रिकेट मैच के दौरान सुनते होंगे, बहुत बड़ा है, 4-4.5 मिनट का है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। उसके भी रचयिता कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर, और हमारे राष्ट्रगान के भी रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा अमार सोनार बांग्ला गाया गया। इसी के साथ एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम शीर्षक गीत के रूप में उभरा। तो जो वंदे मातरम बाद में क्रांतिकारियों ने हर जगह वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस वंदे मातरम को लोकप्रियता भी और उसका एकदम जो है शीर्षक आंदोलन के रूप में उभरा स्वदेशी आंदोलन में। तो यह भी प्रश्न पूछा गया, तो स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम एक शीर्षक गीत के रूप में उभरा, और अमार सोनार बांग्ला तो था ही। इसके अलावा इस दिन को जनता ने राखी दिवस के रूप में मनाया। तो राखी दिवस का क्या मतलब था, तो राखी दिवस का यह मतलब था कि सरकार ने भले हमें बांट दिया है लेकिन हम एक ही हैं, तो तुम मेरे कलाई पे राखी बांधो और एकता का परिचय दो कि हम तुम दो नहीं, हम एक ही हैं, भले हमें प्रांत के हिसाब से हमें बांट दिया गया है। अगले दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। तो जो प्रारंभिक आंदोलन लीड किया गया, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, ठीक है। और इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो आप कहेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने स्वदेशी आंदोलन को लीड किया, हालांकि प्रारंभिक रूप में, या ऐसे एब्सोल्यूट भी पूछे, तो आपको कहना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि किसने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि पूर्व यानी ईस्ट, पाश्चात्य यानी वेस्ट का एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। तो किसने आलोचना की, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया स्वदेशी आंदोलन की आलोचना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा एक दिल्ली दरबार हुआ, उस दिल्ली दरबार में घोषित किया गया कि भैया अब बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। इसके अलावा यह कहा गया कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और इसके अलावा कहा गया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी बल्कि वो दिल्ली आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब बंगाल के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन से क्या उपजा, बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया में भारत में क्या चला, ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत में चला। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि स्वदेशी का क्या अर्थ है और बहिष्कार का क्या अर्थ है। स्वदेशी का सीधा सा अर्थ है कि भारतीय वस्तुओं का प्रयोग, देसी वस्तुओं का प्रयोग,
और बहिष्कार का क्या मतलब है? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो देशी वस्तुओं का प्रयोग यानी स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यानी बहिष्कार। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो शुरुआती आंदोलन को हम कहें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा ने अपना नेतृत्व दिया, और इस आंदोलन से फिर बाद में जाकर के घुसे जुड़े कौन? अरविंद घोष और लाल बाल पाल का त्रिगुट इससे आकर के मिल गया, और धीरे धीरे इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में करने का प्रयास इन लोगों ने कर दिया। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, जिसने इस आंदोलन को मैंने लिखा है कि राष्ट्रव्यापी रूप प्रदान किया गया। तो क्या हो रहा था इस आंदोलन के दौरान? तो पहला, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी, देशी वस्तुओं का प्रयोग होने लगा, और धीरे धीरे बंगाल में ये इतना व्यापक हो गया कि आप समझिए कि उस विवाह को कराने से पंडित मना कर देता था जिस विवाह में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही कह रहे हैं इस बात को, इन्हीं को कोट हमने किया है तो पढ़ लेते हैं। जब यह आंदोलन अपने शीर्ष पर था, स्वदेशी ने हमारे सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के चित्रों को रंगों से भर दिया। अगर विवाहों में ऐसी विदेशी वस्तुएं उपहार में दी जाती जिनके समान वस्तुएं देश में बन सकती हों तो उसे लौटा दिया जाता था। पुरोहित अक्सर ऐसे समारोह में धार्मिक कार्य करने से इनकार कर देते थे जिनमें ईश्वर को भेंट में विदेशी वस्तुएं दी जाती थी। जिन उत्सवों में विदेशी नमक या चीनी का उपयोग किया जाता था उसमें भाग लेने से मेहमान इनकार कर देते थे। इस लेवल पर जनता में जो है ये आंदोलन पहुंचा। तो इस आंदोलन ने जिस बात पर बल दिया वो था आत्मशक्ति पर जोर। तो आत्मशक्ति का क्या मतलब है? राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास। तो ये कहा गया जो बाद में असहयोग आंदोलन में कहा गया कि भारत में अंग्रेजों का राज भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ, भारतीयों के सहयोग से वो चल भी रहा है, तो भारतीय अगर असहयोग कर देंगे तो ये नहीं चलेगा, हम देखेंगे और ये तीव्र होगा। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में क्या मतलब था राष्ट्रीय गरिमा का? तो स्वदेशी उद्योगों की स्थापना, खूब स्वदेशी उद्योग स्थापित हुए, कपड़ा मिल, साबुन, माचिस की फैक्ट्रियां, हस्तशिल्प उद्योग, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियां आदि स्थापित की गई। और इस दौर में राष्ट्रीयता से प्रेरित पद्य और गद्य और पत्रकारिता का उद्भव हुआ, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अबू महमूद मुकुंद दास ये। और ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था ये केवल एक आंदोलन ही नहीं रहा बल्कि एक रचनात्मक आंदोलन में ये परिवर्तित हो गया, जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए कई शिक्षक केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, और ये प्रश्न पूछता है इसलिए लिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्रों में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, और राष्ट्रीय नियंत्रण में साहित्य, तकनीक और शारीरिक शिक्षा देने के लिए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, और रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तंज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई जिसके प्रिंसिपल अरविंदो घोष बने। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्न पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया, तो आपको स्पष्ट कहना है कि इसमें जो है किसानों ने भाग नहीं लिया और मुसलमानों ने भाग नहीं लिया, और इसके अलावा इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, तो हमने लिखा है किसान इससे जुड़ नहीं पाए और कुछ पौधों को छोड़कर मुसलमान भी इस आंदोलन से दूर रहे क्योंकि उन्हें बंगाल विभाजन अपने लिए लाभदायक लग रहा था कि भाई उनका बहुमत हो गया, लेकिन छात्रों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनका मेन काम था विदेशी वस्तुओं की दुकानों के आगे जाकर उसको बंद करा देते थे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना ये उनका मुख्य काम था। एक माध्यम से ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाएं भी घर की चार दीवारी को तोड़ करके बाहर निकली और सक्रिय रूप से विभिन्न प्रदर्शन और धरनों में उन्होंने भाग लिया, और इसी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत के रूप में उभरा जो मैंने आपको बताया, और अमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा बंगाल गूंज उठा। अब यहां पर क्या है कि जो तिलक हैं और जो लाला लाजपत राय हैं वो ये चाहते हैं कि अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर हम लेकर के जाएं, सशक्त आंदोलन हो गया। ठीक है,
तो बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन की शक्ति को पहचाना और भारत की स्वतंत्रता के लिए हथियार के रूप में प्रयोग करने का इसका निर्णय लिया और यह आंदोलन बंगाल से निकलकर बंबई, मद्रास और उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैला। अब यहाँ पर क्या है कि अब फैक्ट आ रहा है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, इसीलिए इसको लिखा गया है। तो अजीत सिंह और स्वामी श्रद्धानंद लाला लाजपत राय, इन तीन लोगों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में काम किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदंबरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो एक तरह से ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होने लगा। तो अब जो है गर्मपंथी आ गए, तो गर्मपंथियों ने लाल पाल पाल की जोड़ी, उसके बाद अरविंद घोष तो हैं ही, तो गर्मपंथियों ने अब इसके साथ स्वदेशी के साथ बहिष्कार शब्द को भी जोड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा, प्रतिरोध की बात की। क्या कहा, प्रतिरोध। तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि ब्रिटिश प्रतीक जो है उन सबका के साथ असहयोग कर दो, जो बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो। मैंने कहा ना कि अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया भारतीयों के सहयोग से, चला रहे थे भारतीयों के सहयोग से, तो भारतीय सहयोग कर देंगे तो इनका जो है राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कहा गया कि सरकारी नौकरियों, अदालतों, विद्यालयों, नगर पालिका, विधान परिषदों के बहिष्कार की अपील की गई। और अरविंदो घोष ने क्या कहा, इन परिस्थितियों में शासन करना असंभव होगा, अगर भारतीय असहयोग कर दें तो शासन करना असंभव होगा। तो एक जन आंदोलन के रूप में इसको उभारना शुरू कर दिया। अब जो स्वदेशी आंदोलन है वो पीछे जा रहा है, अब इसका राष्ट्रीय चरित्र बनाना चाहते हैं कौन, गर्मपंथी। तो अरविंदो घोष ने क्या कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता ही देश का प्राण है। अब लोगों को धीरे धीरे स्वतंत्रता, अभी आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में, अब ये इसको जो है आगे लेके जाया जा रहा है, अब स्वतंत्रता की बात की जा रही है, ठीक है। तो फिर इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमनात्मक कार्यवाही करना प्रारंभ किया। 1906 से लेकर 1909 के बीच बंगाल के न्यायालयों में 550 से अधिक राजनीतिक मुकदमे चलाए गए। और एक घटना जिसका जिक्र होता है, पुलिसिया दमन का सबसे खौफनाक दृश्य अप्रैल 1906 में बारिसाल में देखने को मिला, जहां बंगाल प्रांतीय सभा के शांतिपूर्ण सम्मेलन पर लाठीचार्ज किया गया और सम्मेलन को जबरी बंद करा दिया गया। दिसंबर 1908 में कृष्ण कुमार मित्र और अश्विन कुमार दत्त सहित 9 नेताओं को देश निकाला दे दिया गया। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को उनके केसरी में लिखे लेखों के आधार पर 6 वर्ष के लिए कारावास की दे दिया गया और उन्हें मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया। तो इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ गया। अब क्या मूल्यांकन रहा उसको भी देख ले। तो यह आंदोलन ब्रिटिश राज के विरुद्ध किया गया पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था, जो अपने तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इसके अलावा शताब्दियों से सोए भारतीयों को जागृत कर उनमें आत्मविश्वास और आत्मबल के सहारे संघर्ष करने का साहस भरा, जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त जनता ने कुछ कीमती सबक सीखे, जैसे गांधी जी ने लिखा, बंगाल विभाजन के बाद लोगों ने समझा कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। कमेंट करके आपको गांधी जी के इस वाक्य को डिफाइन करना है। गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी जी ने लिखा कि बंगाल विभाजन के बाद लोगों ने यह समझा कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा, ठीक है। तो केवल याचिका की ये मांगे हैं हमारी, ये मांगे हैं हमारी, ये याचिका हो गई, याचना पत्र हो गया। तो ये कहा गया कि याचना पत्र को शक्ति का सहारा देना होगा, ये गांधी जी ने लिखा। तो इसको आपको क्या करना है, आपको इसको डिफाइन करना है, इसका क्या मतलब ये बताना है। इसके अलावा एक रोचक बात आपको और बताऊं, जब स्थिति यह थी कि विवाह में कोई विदेशी वस्तु का प्रयोग होता था या किसी धार्मिक अनुष्ठान में पुरोहित कर रहा है और कोई विदेशी वस्तु दिख गई तो वो पूजा नहीं कराता था, इस तरह का माहौल था। तो उसी दौरान जो है जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने एक नई चमचमाती विदेशी गाड़ी खरीद ली 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही, ठीक है। तो इस पर आप और रिसर्च करिएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।